मार्केट में इस वक्त मीम कॉइन्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं और तीन मीम कॉइन्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें बहुत बड़ा प्रॉफिट और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो एक्चुअल में मार्केट ऑलरेडी ग्रीड में चल रही है, 65 के आसपास चल रही है, BTC $70,000 के आसपास चल रहा है और जब BTC इस तरीके से चलता है तो ऑल्ट कॉइन्स की जो एक मीम कॉइन्स की कैटेगरी है ये हमेशा बेस्ट परफॉर्म करती है और अभी तीन कॉइन्स बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं क्योंकि इनकी जो अनाउंसमेंट्स है वो भी बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके वॉरफिट को बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉरफिट ऑफिशियल को, जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। ऑलरेडी वहां पे एक मैंने सर्वे डाला था कि अभी कौन सा कॉइन मीम कॉइन नेक्स्ट आने वाला है क्योंकि जो बेस्ट मीम कॉइन है वो तो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहे हैं, जो कि आज हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको हर एक अपडेट वहीं पे मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखिए तो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि अगर मार्केट कैप $2.6 trillion के आसपास चल रहा है देन डेफिनेटली इट मींस कि सारे ऑर्डर्स भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। एंड एट दिस सेम मोमेंट इथेरियम आप देख सकते हो तो $4,000 के आसपास चल रहा है एंड इसी के साथ साथ BNB वापस से $600 से ऊपर जा चुके हैं एंड सलाना बहुत ही अच्छे तरीके से टिका हुआ है जो कि $170 के आसपास चल रहा है। सो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि मार्केट बेस्ट चल रही है एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो तीन मीम कॉइंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वालों इनमें भी बहुत बड़ी पोटेंशियल अभी भी बाकी है। तो सबसे पहला कॉइन हम यही बात कर लेते हैं जो है फ्लॉकीनू, पिछले एक दिन के अंदर लगभग 20-30% का प्रॉफिट दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो मायने रखती है यहां पे वो ये है कि वॉल्यूम 24 आवर्स का अभी इसका 400% से भी ऊपर गया है, मार्केट कैप लगभग 20% से ज़्यादा इसका बढ़ चुका है। यही कारण है कि मार्केट कैप के हिसाब से इसका जो रैंक है 44 तक पहुंच चुका है, 44 के आसपास पहुंच चुका है और वॉल्यूम के हिसाब से 11वें नंबर पर चल रहे हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा हाई बनी हुई है फ्लॉकीनू की। तो हमारा जो पहला कॉइन है ये फ्लॉकीनू ही है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आपको बता देता हूँ क्योंकि फ्लॉकीनू ने अनाउंस किया है कि मेननेट लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले की बात करें तो फ्लॉकीनू ने अपना ट्रेडिंग बॉट अनवील किया था और अभी जो बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है वो ये है कि मेननेट लॉन्च करने वाले हैं क्लोज्ड बीटा का, तो ये भी एक तरीके से बॉट है जो कि फ्लॉकी को ट्रेड करने के लिए बनाया गया है और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है ये बेस के ऊपर BNB और इथेरियम इन तीनों के ऊपर मेननेट आने वाला है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में जान लो कि एक्चुअल में है क्या फ्लॉकी का जो ट्रेडिंग बॉट है, ये एक मल्टी चेन टेलीग्राम ऑन चेन ट्रेडिंग बॉट है। तो यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ एक टैप से ही बाय या सेल कर सकते हो क्रिप्टोकरेंसीज को, जो कि आप कुछ ही सेकंड्स में डिफरेंट चेन्स के ऊपर कर सकते हैं। यही कारण है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट एंड एफिशिएंट रहने वाला है। यहाँ पे जो बॉट के चार्जेस रहने वाले हैं ये 1% फी रहेगी, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी देखो कि 50% फीस जो है ये हमेशा बर्न करी जाएगी फ्लॉकी की, जिससे क्या कि फ्लॉकी का जो ओवरऑल जो डिमांड है हमेशा वही रहने वाला है लेकिन सप्लाई कम होने वाली है। तो डिमांड तो लगातार बढ़ती रहेगी लेकिन जो सप्लाई है वो क्या कि हमेशा कम होती रहेगी, जिससे क्या कि डेफिनेटली फ्लॉकी का प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर होने वाला है। तो अभी ये भी एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये सिर्फ क्लोज्ड बीटा है जिसमें क्या है कि बग्स को ढूंढा जाएगा, उनको फिक्स किया जाएगा, फीडबैक लिए जाएंगे कम्युनिटी के, इसी के साथ साथ और भी ज़्यादा इसमें अपग्रेड्स आने वाले हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर इसका ओपन बीटा भी आ सकता है या फिर इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों फ्लॉकी की इतनी ज़्यादा अभी हाई बनी हुई है, जो कि 20% से भी ज़्यादा इसका प्राइस ऊपर गया है एंड अभी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना जो न्यू ऑल टाइम हाई है ये पिछला रीटेस्ट करने के साथ साथ न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। तो जैसे जैसे इसके इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ नया ऐड होता चला जाएगा, हमेशा फ्लॉकीनू जैसे कॉइन्स हमें एक बड़ा प्रॉफिट ही देने वाले हैं। अब हम दूसरे कॉइन की बात करने वाले हैं। तो दूसरा कॉइन अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है पेपे कॉइन। तो पेपे कॉइन की वैल्यू $0.00016 के आसपास चल रही है, तो इसके भी जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो एक्चुअल में यहाँ पे लगातार अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें तो लगभग 50% से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। तो अभी जब पेपे ने अपना ऑल टाइम हाई रीटेस्ट किया तो इसी दौरान क्या है कि पेपे की जो वेल्स ने 182 बिलियन टोकन्स को रीशिफ्ट किया है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो पिछले कुछ सालों से पेपे कॉइन में क्या है कि बुलिश ट्रेंड हमें मई के महीने में देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि पेपे अभी स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है वो ये है कि इसको एक्सचेंजेस से हटाया जा रहा है। जब एक्सचेंजेस से क्वांटिटी कम होती है इसका मतलब ये होता है कि पेपे को कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, जिससे क्या कि सेलिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि कोई भी पेपे कॉइन को सेल नहीं करना चाह रहा है, इसकी होल्डिंग्स बनाना चाह रहा है। जितनी ज़्यादा होल्डिंग्स होगी देन डेफिनेटली पेपे का जो फंडामेंटल्स है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और पेपे कॉइन हमें बड़ा प्रॉफिट आने वाले समय के अंदर देने वाला है। तो इस वक्त अगर कोई ध्यान रखने वाला कॉइन है तो वो पेपे कॉइन भी है। अब हम तीसरे कॉइन की बात करने वाले हैं। हमारा जो तीसरा कॉइन है ये बॉन्ग कॉइन। तो एक समय पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद बॉन्ग कॉइन बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हम पिछले एक हफ्ते के अंदर देखें तो 20% से भी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। वॉल्यूम देखें तो
100-150% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है 24 आवर्स का, और मार्केट कैप भी इसका लगभग 11% से बढ़ा है पिछले एक हफ्ते के अंदर, यानी कि इसकी रैंक भी 45 के आसपास आ पहुंची है। अब इससे एक और चीज़ आप नोटिस करो कि जो फ्लॉकिन है वो 44 रैंक के आसपास चल रहे हैं, और जो यहाँ पे पेपे कॉइन है 19 रैंक के आसपास चल रहे हैं, और बॉन्ग कॉइन 45 रैंक के आसपास चल रहे हैं, यानी कि मीम कॉइन्स की इस वक्त रैली चल रही है, मीम कॉइन्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त मीम कॉइन्स ही हमें बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं, ऑलरेडी दे भी रहे हैं और आने वाले समय में भी देंगे। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर इसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है जिसका अभी हम फायदा बिल्कुल सही समय पे उठा सकते हैं। तो बॉन्ग को भी थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो बॉन्ग की क्या कि एक बहुत ही अच्छी प्रमोशनल गिववे आया था, यानी कि एक ऐसी कैंपेन आई थी पिछले के समय के अंदर जिससे क्या कि इन्होंने बोला कि $10,000 के जो टोकन्स हैं ये गिववे करने वाले हैं। तो एक और चीज़ मेन ये भी है कि बॉन्ग सलाना बेस्ड कॉइन है, तो सलाना की परफॉर्मेंस और बॉन्ग की जो परफॉर्मेंस है हमेशा बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है, तो बॉन्ग के साथ सलाना में भी पंप देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर सलाना पंप खुद भी होता है तो डेफिनेटली उससे क्या कि बॉन्ग के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि जो सलाना का पूरा इकोसिस्टम है वो फिर पंप होना शुरू हो जाते हैं। तो $10,000 की ये जो कैंपेन है इसमें क्या कि 10 यूज़र्स में टोटल 10 हिस्से बांटने वाले हैं, तो यहाँ पे जितने ज़्यादा यूज़र्स पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा क्या कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बॉन्ग की इंक्रीज़ होने वाली है, जिससे क्या कि गिववे तो किसी न किसी को मिलेगा मिलेगा, लेकिन बॉन्ग की जो हाइप है और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और ये जो मेनली आया है ये कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ही आया है, तो कॉइनबेस के ऊपर इसकी जो ट्रेडिंग है वो 30 मई को शुरू होने वाली है, जिससे क्या कि डिमांड जो बॉन्ग कॉइन की है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लगातार इन्वेस्टर्स यानी कि जो बाय करके होल्ड करके रखना चाहते हैं या फिर ट्रेडर्स वो ट्रेड भी उतना ही ज़्यादा कर रहे हैं, और कैंपेन की वजह से क्या कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही कारण है मेन कारण कि क्यों बॉन्ग में इतनी ज़्यादा हमें हाइप देखने को मिल रही है। आज मैंने टोटल 3 कॉइन्स कवर किए हैं, तो इसमें आपको बता ही दिया कि सारे कॉइन्स की जो रैंक्स है वो लगातार ऊपर आती जा रही है। अगर हम डॉज कॉइन देखें तो लगभग स्टेबल रैंक ही चल रही है, शिबा इनू देखें तो ऑलमोस्ट 11 के आसपास पहले भी रहे, लेकिन ये जो कॉइन्स है ये इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि ये टॉप 20 में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं आने वाले समय के अंदर। जैसे कि हमने थोड़े समय पहले बात करी थी बॉन्ग कॉइन की, फ्लॉकिनू की, जो कि हमारे टोटल टॉप 3 कॉइन्स में से आते हैं। इन्हीं में से एक कुछ और कॉइन्स भी हैं जैसे कि बुक ऑफ मेम है, जिनको हम बॉम्ब कॉइन भी बोलते हैं, और आपको बताऊं तो शायद नॉट कॉइन भी एक बिल्कुल मीम कॉइन की तरह ही रह गया, क्योंकि नॉट कॉइन ने उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया। एंड यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अगर आप वीडियो साथ साथ देखते हो तो आपको शायद पहले ही पता चल गया होता कि जो नॉट कॉइन है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला था, क्योंकि नॉट कॉइन की इतनी कोई बहुत बड़े फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं थे। एक सबसे बड़ा फंडामेंटल तो यही था जो अच्छा था, वो ये कि टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आया था, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है मार्केट कैप है जो वो बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से क्या कि इसमें इसके प्राइस में कोई खास इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, किसी भी मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर डिटेल चाहिए, मैं पूरी रिसर्च कर आपको वीडियो ला कर दूंगा, वो नीचे कमेंट कर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।